हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। दो ऐसी चीज़ें जो कि प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें कम हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपकी प्रेगनेंसी में, या तो इमरजेंसी डिलीवरी आपको करानी पड़ेगी और या तो फिर और नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या है वो चीज़ें, चलिए बात करते हैं आज के इस खास टॉपिक पर। बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं हमारे, आपकी हेल्प होती है हमारी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा, बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो वो दो चीज़ें जिनकी मैं बात कर रही हूं नहीं कम होनी चाहिए बॉडी में बिल्कुल भी। पहला है हीमोग्लोबिन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट महिला का ही हीमोग्लोबिन है, खून है उनका, ब्लड है जो बच्चे के शरीर तक जाता है प्योरीफाइड फॉर्म में। अब अगर आपका ही हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान कम है तो ऐसे में तो एक तो आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आपको खुद प्रेगनेंसी के दौरान इतनी ज़्यादा वीकनेस लगेगी, थकान लगेगी, चक्कर आएंगे, और जब आपका ही ब्लड कम है तो बच्चे में क्या पहुँचेगा। तो ऐसे में आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अपने हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बता भी देती हूँ कि कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका एक स्वस्थ महिला के शरीर में जो है, महिलाओं के लिए जो हीमोग्लोबिन का पॉइंट रखा गया है वो 12 से 14 होना चाहिए, 12 to 14 के बीच में होना चाहिए। पुरुषों के लिए 14 से 16 के बीच में होना चाहिए, 14 to 16 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 12 है, जैसे 12 से 14 ही रखा ही गया है, तो अब 12 ही है तो थोड़ा सा उसको और होना चाहिए, मतलब 12.5 या 13 भी बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन लेवल है। 13 नहीं है तो 12.5 है तो भी ठीक है, लेकिन इससे नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब आप 12 से नीचे तो नहीं आ सकते हो, आपको कोशिश करना है कि आप ऊपर ही जाओ। 12 अगर आपका हीमोग्लोबिन जो महिलाओं के लिए डिसाइड किया गया वो 12 से 14 है, लेकिन अगर आपका 12 से नीचे आ गया, आपका 11.5 आ गया, 11 आ गया, तो ऐसे में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो माना जाता है कि अभी कम है। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी कम है, तो अब कम हो रहा है तो वो और कम हो सकता है। ऐसे में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन लेवल 12 से 14 महिलाओं में होता है और पुरुषों में 14 से 16 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। अब अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है तो ऐसे में क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। एक तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बच्चे की लाइफ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि बच्चा गर्भ में ठीक है नहीं ठीक है, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कई बार जब जिन महिलाओं के हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, मतलब 8 होता है, 9 पॉइंट होता है, उनको अलग से प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन चढ़ाया जाता है। कुछ लोगों के डिलीवरी के समय सडनली कम हो जाता है हीमोग्लोबिन, कि पूरी प्रेगनेंसी ठीक था, अब जब डिलीवरी कराने का टाइम है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान 1 से 2 बॉटल तक हीमोग्लोबिन निकल जाता है, खून बह जाता है, तो इसलिए डॉक्टर सोचते हैं कि एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा होना चाहिए कि खून निकल जाने के बाद भी, ब्लड ब्लीडिंग हो जाने के बाद भी महिला में कमजोरी वीकनेस ना रहे। वो तो खैर डिलीवरी बाद रहती है, खाने पीने से नॉर्मल होती है, लेकिन जो रिकवरी उस टाइम पे ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन जितना खून ज़रूरी है ब्लड में उतना रहना चाहिए। तो इस वजह से कई बार डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर ध्यान देते हैं कि हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक केस बताऊं कि जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी सेकंड वाली, तो मेरे ही डिलीवरी के टाइम पे एक फीमेल थी, उनकी भी डिलीवरी होने वाली थी, मेरे जस्ट बाद उनकी ही थी, लेकिन उनके साथ समस्या क्या थी कि उनका हीमोग्लोबिन कम था, उनका भी एक बेबी था पहले, 4-5 साल का देखने में लग रहा था, मैंने देखा था, तो उनकी भी सेकंड प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी होने वाली थी, जस्ट मेरे बाद ही उनका नंबर था, लेकिन उनको काफ़ी वेट करना पड़ा, दोपहर तक रुकी रही, मेरी डिलीवरी हो गई, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई, लेकिन उनको रोक के रखा गया, और बाद में मुझे लगता है उनकी डेट चेंज कर दी गई होगी। उनको लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम थी और उनके घर वाले अरेंज नहीं कर पा रहे थे ब्लड, कुछ रिलेटिव्स को बात हो रही थी, क्योंकि मेरे साथ ही वो सारी कागजी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे, तो मैंने सब देखा सुना, तो कुछ रिलेटिव्स को उन्होंने कहा था, जिन्होंने उनको सहारा दिया था कि हाँ ठीक है हम आ जाएंगे हम करवा देंगे, लेकिन वो नहीं आए और उनकी कहीं व्यवस्था जल्दी हो भी नहीं पा रही थी हीमोग्लोबिन के लिए। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है कि बच्चा जिस पानी की थैली में रह रहा है, वो पानी की थैली में पानी भरा होता है, जिसे साइंस की भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब उस एमनियोटिक फ्लूइड की कमी की वजह से
बच्चे के चारों तरफ का अगर पानी कम हो गया या सूख गया, अगर बच्चे का साइज डेवलप हो गया और पानी नीचे है और बच्चा उसके ऊपर है और पानी नीचे ही नीचे है, तो बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? यही तो पानी है जो बच्चे को न्यूट्रिशन दे रहा है। अब बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बच्चा धीरे धीरे सूख जाएगा। ऐसी स्थिति में कई बार डॉक्टर कुछ एक शैशे टाइप का आता है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा उसका, एक शैशे आता है जिसको डॉक्टर कहते हैं कि दिन में 3 से 4 बार पानी में घोल करके पीना है, ताकि देखते हैं कि इम्यूनिटी फ्लूड बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं बढ़ रहा है तो फिर वो सिजेरियन की सलाह दे देते हैं कि आप सिजेरियन करा लो, रिस्क मतलब चाहे 7 मंथ हो प्रेगनेंसी का चाहे 8 मंथ हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एमनियोटिक फ्लूड। तो बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है वो कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको शुरुआत से ही मतलब 4th महीने से, 3 महीने तक तो बच्चा इतना सही होता है, 4th महीने से आपको ध्यान देना शुरू कर देना। उसके बाद से 2nd ट्राइमेस्टर से बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होना लगता है। नारियल पानी है, जूस है, पानी वाटर इनटेक है जो कि 12 से 15 गिलास डेली होना ही चाहिए। इसके अलावा डेली 1 नारियल पानी या 2 नारियल पानी 2 गिलास लेने हैं, जूस लेना है, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए आपकी बॉडी में, ताकि पानी जो पानी की थैली है जिसमें बच्चा रह रहा है उसमें पानी की कमी ना हो पाए। तो ये 2 चीज़ें, पहला हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूरी प्रेगनेंसी बिना स्किप किए आयरन की टैबलेट लेनी है, फॉलिक एसिड उसमें मिक्स रहती है, आयरन फॉलिक एसिड पूरी प्रेगनेंसी बिना स्किप किए लेना है। साथ ही डाइट में भी ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसमें आयरन फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में हो, ताकि हीमोग्लोबिन की कमी ना हो पाए। इसके अलावा डॉक्टर आयरन की सीरप भी देते हैं जिनको ज़्यादा हीमोग्लोबिन की दिक्कत होती है, कमी होती है। ये सारी चीज़ों का सेवन अच्छे से करें और पानी अच्छी मात्रा में लें, तो इन 2 चीज़ों की कमी आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होगी, क्योंकि यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान कम होती है। होप सो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे नई खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।